बताइए सफाई आपके इस क्षेत्र में, नाली में काफी गंदगी है तो उसकी सफाई होती है? देखो ना, ये तो है सामने दिख रहा है ना। इसमें सबसे बेसिक जो बड़ी गलती है वो है आपका एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे जब बन रहा था तब वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो प्रॉपर वे पे नहीं है। सफाई का कोई ठिकाना नहीं ना, बड़ा नाला तो 6 महीने साल भर में साफ होता है, मुन्ना भी बारिश के पहले साफ हुआ था। अच्छा, डेली सफाई होती है आप कह रहे हैं, वहाँ के लोगों ने तो ऐसा कहा है कि सफाई काफी समय लग जाते हैं होने में, महीने दर महीने होती है। भाई अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसे मेरे सामने ले आइए। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम रायपुर के एक्सप्रेसवे पाथ में खड़े हैं, यहाँ से सीधे रेलवे स्टेशन का रास्ता है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, यहाँ से आप फाफड़ी जाएंगे, उसके बाद फिर पंडरी पड़ेगा पहले, फिर फाफड़ी और फिर रेलवे स्टेशन, और इधर शंकर नगर जाने का रास्ता है। और हम लोग पंडरी के ब्रिज के जस्ट पहले खड़े हुए हैं। और आप, मैं चाहूँगी कि कैमरामैन थोड़ा आप इस तस्वीर को इसे दिखाइए, जो नाली है ठीक किनारे, रोड के ठीक किनारे ये नाली है। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर बहुत ही गंदगी भरी हुई है, बहुत ही चौड़ा नाला है। अंदर इसके जस्ट पीछे एक बहुत बड़ी बस्ती है, जहाँ का पूरा नालियों का जो पानी है वो यहीं पे आके मिलता है इस जगह पे। और इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कितनी ख़राब है। जो नगर निगम है, सफाई यहाँ पर बिल्कुल नहीं की जाती है। बहुत अलग अलग प्रकार के कचड़े आप देख सकते हैं, बहुत ही बुरी स्थिति है। और इसके अलावा क्योंकि ये रोड के ठीक किनारे है तो यहाँ पर एक्सीडेंट के भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाउंड्री वॉल कहीं पे भी नहीं बनाई गई है। एक बार आप देख लीजिए, रात के समय यहाँ पर दुर्घटना होने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किस स्पीड में गाड़ी होती है, क्योंकि ये हाईवे है, रोड है, और यहाँ पर बगल में ठीक बस्ती है, बीमारियाँ फैलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ठीक बगल में जो बस्ती है, वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोगों से भी बातचीत करते हैं कि यहाँ की सफाई कब से नहीं हुई है, और क्या इसके बारे में उन्होंने किसी अपने पार्षद को बोला है या नहीं बोला है, इसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे आज। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो जुबेदा खातून है। अच्छा, आप कब से यहाँ रह रहे? हम लोग तो संसार से हैं यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे जो नाली है ठीक रोड के किनारे, इसी बस्ती से लगी हुई है, उसमें काफ़ी गंदगी है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा, तो यहाँ सफाई कब कब होती है? सफाई का कोई ठिकाना नहीं ना, बड़ा नाला तो 6 महीने साल भर में साफ होता है, मुन्ना भी बारिश के पहले साफ हुआ था, उसके बाद अब कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर आप लोग जैसे वहाँ पे क्या है, गंदगी बहुत ज़्यादा है तो बीमारी फैलने की भी डर होती है, तो आप लोग पार्षद को नहीं बोलते कि सफाई वगैरह करा दीजिए समय से? पार्षद को बोलते हैं तो वो छोटा छोटा नाली साफ कराता है, ये तो उसका काम है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो इस पार्षद से, हाँ, नगर निगम का काम है। हाँ, ये सब कुछ नहीं करते उन लोग, तो पार्षद का काम है आगे बात को बढ़ाना, अब वही ठंडा हो जाता है तो फिर क्या करे, अब हो सकता है अब चुनाव के बाद कुछ करे। तो आपके, अच्छा, पार्षद का नाम क्या है? कमरान नाम है। हाँ, कमरान, मोहम्मद कमरान। तो आपके इस क्षेत्र में और भी कोई ऐसी समस्या है जो बहुत समय से हल नहीं हो पाई है जिसका? बस नाली की परेशानी है, नाली भर क्या है, सफाई हो जाए ना अच्छे से यहाँ से लेके वहाँ तक से तो अच्छी बात है, बाकी पानी है, बाकी चीज़ तो सब अच्छे से मिल रहा है, बस साफ़ सफाई की बड़ी, साफ़ सफाई की थोड़ी परेशानी है, बाकी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ, राशन भी लोगों को सब सही मिल रहा है, और पानी भी सही मिल रहा है। गाड़ी आती है? हाँ, आती है। तो फिर मतलब लोग कचरा भी तो निकालते होंगे? कचरा डालते हैं, वही उसी में गाड़ी में डाल देते हैं, जरा टाइम हुआ तो फिर वो नली में ले आके डालते हैं। इस वजह से भी उसमें कचरा पड़ रहा है? हाँ, गाड़ी चाहिए जब डालेंगे, कहाँ डालेंगे, बंद हो गया इधर का। तो वो जो नाली इस बस्ती से लगी हुई है, तो उसमें सफाई होती है? हाँ, होती है, बाय द वे कभी थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन होती है। पर गंदगी तो ऐसे जमी हुई है, पूरा इकट्ठा ऐसा हो गया जैसे कि सालों से नहीं हुई है। अब वो तो पार्षद महोदय बताएंगे, अब मैं क्या बताऊँ सकता हूँ। तो आप लोग इस बारे में कुछ बोलते नहीं, क्योंकि बहुत ही पास है और बीमारी फैलने के बहुत ज्यादा इसमें चांसेस क्या बढ़ बोलेंगे भाई। आपका नाम? पूर्णिमा साहू। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? जी, मेरा घर। अच्छा, तो यहाँ पर जो बड़ी सी नाली है, काफ़ी गंदगी है उसमें, और इस पूरे बस्ती का नाली का पानी भी वहीं जाता है, तो उसकी सफाई कब कब होती है?
महीना में एक दो बार तो होता है, लेकिन हमारे तरफ पूरा भर जाता है। तो बरसात में तो अभी ठीक था इस बार, नहीं तो पूरा घर अंदर घुस जाता था पानी। अच्छा, ये जो नाली में जो पानी जा रहा है वो बरसात के समय पूरे घर अंदर घुस जाता है और बाहर भी पानी पूरे फैल जाता है? जी, पूरा सड़क में, पूरा उधर तो ज्यादा होता है, नई बस्ती में पूरा भर जाता है। और जो बाहर में जो नाली है उसमें पानी जाता होगा, तो बरसात में तो उसकी सफाई होती होगी? सफाई पूरा होता है, खुदाई होता है, सब चीज होता है वहाँ। और अभी तो उसकी स्थिति बहुत खराब है, पूरा सब मलमा वही जाके जमा हो रहा है। तो आप लोग बोलते नहीं सफाई करने के लिए? अब हम लोग एक जन दो जन बोलने से कुछ नहीं होता है, पूरा बस्ती अगर मिल के करे तो होगा। फिर भी कितने समय के अंतराल में यहाँ पे सफाई होती होगी उस नाली की? महीना में दो बार तीन बार तो होता है। महीने में दो तीन बार सफाई होने के बावजूद भी उतनी गंदगी जम जाती है? हाँ, पूरा कचरा काड़ी सब वहीं जाके जमा होता है। अच्छा, नाली का ही? जी, पूरा सब यहाँ पर डालते हैं ना, वहीं जाके बह के वहीं पर जमा हो जाता है पूरा। और जो कचरा गाड़ी आता है उसमें आप लोग कचरा डालते हैं? हाँ, पूरा मोहल्ला के लोग भी डालते हैं, लेकिन वहाँ देखिए ना पूरा कचरा है, पूरा झिल्ली झिल्ली पोटली बोरा, मतलब वो गाड़ी आने के बावजूद भी इसी नाली में कचरा डालते हैं। तो ये जाके बह के वहीं पर जमा हो जाता है, इसी कारण से कचरा भी ज्यादा जमा होता है। क्या चीज का सर्वे कर रहे हैं तो बताइए? सफाई, आपके इस क्षेत्र में नाली में काफी गंदगी है, तो उसकी सफाई होती है? देखो ना, ये तो है सामने दिख रहा है ना। हाँ, तो यहाँ का जो पार्षद है उससे आपने कब बोला है इस बारे में? कराए थे पार्षद ने अभी बीच में। ये देखिए कचड़े, काफी कचड़े ही जमे हैं, पानी तो दिख ही नहीं रहा है इसमें। दिख नहीं रहा है, तो नाली साफ नहीं होती तो कहाँ से पानी जाएगा? कब कब साफ होता है? बहुत ज्यादा जब जम जाता है उसके बाद ही साफ होता है, यानी रेगुलर नहीं साफ होता। तो बोला जाता है तब जाके सफाई होती है? तभी जाके सफाई। और ये नालियों में कचड़ा फेंक देने का क्या? नालियों में कचड़ा क्यों फेंका जाता है? यहाँ पे तो कचड़ा गाड़ी आता होगा ना? आता है, लेकिन अब लोग डाल देते, उसमें हम क्या करेंगे? आप लोग फेंकते हैं कचड़े गाड़ी में? हम लोग डाल। और जो बड़ा वाला नाला है जो सड़क से लगा हुआ है, उसकी सफाई कब कब होती है? उसकी नहीं पता, यही कचड़ा जाके वहाँ पे जमता है। हाँ, यही कचड़ा जाके। क्या है ना कि बीमारी फैलेगी, समस्या यही पे आएगा। सही बात। वार्ड नंबर 34 लाल बहादुर वार्ड के जो पार्षद है वो हमारे साथ मौजूद है, कामरान दंसारी जी। वहाँ के वार्ड के लोगों से हमने बातचीत की, उसके बाद हम पार्षद से आज मिलने आए हैं। जो भी समस्या है उसको लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। अंसारी जी, आपके वार्ड में जो समस्या है सफाई को लेकर, नालियों में काफी गंदगी जमती है और जो एक्सप्रेसवे से लगा जो नाला है उसमें भी काफी ज्यादा गंदगी जमी हुई है, और गंदगी इस तरीके से जमी हुई है कि लग रहा है कि काफी समय से सफाई ही नहीं हुई है, और वो वही नाला है जहाँ पे पूरे एरिया का नाली का पानी जाके जमा होता है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा कि अरमान नाला सिर्फ मेरे वार्ड का नाला नहीं है, वो नाला पूरे रायपुर शहर का नाला है। MG रोड, GE रोड, जेल रोड, ये सारे एरिया से जो डेली पानी जो आता है वापिस, वो पानी उस नाले से, मेरे सामने भी आप देख सकते हैं, यहाँ से होते हुए वो नाले में जाता है, और उसको सफाई जैसे मैं आगे अभी करूँगा ना, आधे घंटे बाद फिर वही स्थिति आपको पुनः दिखेगी। उसके लिए निराकरण के लिए नगर निगम को मैंने कई बार पत्र लिखा है, और उसके लिए अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देशानुसार 3 करोड़ रुपये सेंक्शन हुआ है। और सफाई के लिए नहीं, सफाई के लिए नहीं, उसके लिए सिस्टमेटिक उसको गहरीकरण और बाउंड्री और कवर्ट के लिए। और इसमें सबसे बेसिक जो बड़ी गलती है वो है आपका एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे जब बन रहा था तब वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो प्रॉपर वे पे नहीं है, तो उस वजह से हमारे यहाँ पानी का भराव होता है। और रही बात नाली की गंदगी, तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ डेली सफाई होती है, कचरा गाड़ी आती है। और अच्छा, डेली सफाई होती है आप कह रहे हैं, वहाँ के लोगों ने तो ऐसा कहा है कि सफाई काफी समय लग जाते हैं होने में, महीने दर महीने होती है। भाई अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसे मेरे सामने ले आइए, और मैं अपने लेबर को बुला दूंगा, ठेकेदार को बुला दूंगा, नगर निगम की टीम को बुला दूंगा। लोगों का क्या है, उनको कल क्या हुआ था उनको खुद को पता नहीं है। अगर आप पूछ देंगे कल कितने बजे गाड़ी आई थी कचरा गाड़ी, तो उनको खुद को पता नहीं है। भाई कचरा गाड़ी आ रही है आपके दरवाजे में, डेली आ रही है, उसके लिए तो कोई शिकायत नहीं है। फिर उसके बाद आपके घर के बाहर झाड़ू डेली डल रहा है, आप उसकी फोटोज देख सकते हैं, हमारे पास फोटोज आती है डेली। तो उसके अलावा अगर आप ब्लेम कर रहे हैं कि महीना 15 दिन 10 दिन, तो इतना कोई गिनते हुए बैठा है तो समझ जाइए वो पॉलिटिकल व्यक्ति है, और कहीं ना कहीं छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैं तो नहीं जानता ना कि इतने दिन से सफाई हुई मेरे घर के आसपास। अगर किसी व्यक्ति ने गिन रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर एकदम टारगेट करके गिन रहा है कि इतने दिन से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इस तरीके से बदनाम किया जाए, जबकि हमारे यहाँ डेली सफाई गाड़ी आती है। और मैं चाहूँगा कि जो व्यक्ति इस तरीके की बात किया है वो व्यक्ति जागरूक नहीं है, उसे खुद जागरूक होना चाहिए।
तो सर आप कह रहे हैं कि जो लोग हैं उनमें जागरूकता की कमी है, क्योंकि वही नाली में गंदगी फेंक रहे हैं और फिर वही जाके मेन नाले में जमा हो रहा है, तो उनको जागरूक करने के लिए आप कुछ अभियान चलाने का कुछ ऐसा सोचे हैं? अभियान ऐसा है मैडम कि हम बोल सकते हैं, कार्रवाई करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, निगम के पास है। हम बोल सकते हैं, हम उनको जागरूक कर सकते हैं, और वो खुद जब आपके पास बाइट देते तो उनको खुद को अपने गिरेबान में जाके ये सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, वो कचरा किनका है, वो कचरा स्वयं उनका है। और कचरा गाड़ी आ रही है तो जब जाने के बाद आप नाली में कचरा क्यों फेंक रहे हैं? चलिए हम साफ करते हैं, उसके बाद वहाँ कचरा अगर आ रहा है तो आपके पास नंबर है, टोल फ्री नंबर है, सारे नंबर, आप फ़ोन करके जागरूक क्यों नहीं होते? कम से कम फ़ोन तो कर दीजिए कि यहाँ गंदगी ज़्यादा हो गई है ऐसा बोल के। तो बहुत सारी चीज़ें मैडम, अब उसको लोगों को जागरूक होने के लिए खुद में अवेयर होना पड़ेगा, खुद में जागरूकता लाना पड़ेगा, तब जाके सफाई, तब जाके आपकी व्यवस्था, आपकी व्यवस्था बनेगी। सफाई व्यवस्था नगर निगम भरपूर कर रही है। आपको बता दें कि हमारे यहाँ मेरे वार्ड में 8 मंत्रियों का बंगला है, उसके अलावा यहाँ पे 10,000 की आबादी है, और उसके अलावा कम से कम 150 गली है, नालियाँ हैं 150। तो उतनी नालियों के लिए अगर मुझे 35 कर्मचारी मिले हैं तो क्या 35 कर्मचारी एक दिन में 150 नालियाँ साफ कर देंगे क्या? मंत्री बंगला मैनेज कर देंगे क्या? इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था निगम के माध्यम, तो निगम की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है। हाँ, ये है कि मैंने अपनी तरफ से वार्डवासियों के लिए ये व्यवस्था दी है कि नंबर के साथ साथ तुरंत आदमी अवेलेबल होता है, और जो डेली रूटीन वाली सफाई है वो हो रही है, उसमें कोई गुरेज नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद कामरान अंसारी और यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की, और बात करने पर ये बात सामने निकल कर आई है कि यहाँ पर के लोगों में जागरूकता की कमी है, क्योंकि सफाई लगातार कराई जाती है लेकिन फिर भी नालियों में खुले तौर पर कचड़े फेंके जाते हैं, जिसके वजह से समय दर समय बहुत ही जल्दी वहाँ पर कचड़े जम जाते हैं और वही कचड़े बाहर निकलकर बड़ी नाली में जाकर मिल जाता है। और इसके अलावा हमें ये भी समझ में आया है कि जो नगर निगम है वहाँ से कर्मचारियों की बहुत कर्मचारी कम दिए गए हैं, जिसके वजह से अगर समय पर सफाई नहीं भी हो पाती है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। यह अकेला वार्ड नहीं है, इससे पहले भी सफाई के लिए और भी हमने सर्वे किया है, लोगों से बातचीत की है, वहाँ से भी पार्षदों से भी ये जानने को मिला है कि वहाँ पे नगर निगम से जो कर्मचारी किसी भी वार्ड को दिए जाते हैं सफाई के लिए, वो काफ़ी कम दिए जाते हैं। उतने ही कर्मचारी में पूरे वार्ड की सफाई करानी होती है, जिसके वजह से समय पर सफाई नहीं कराई जा पाती। ऐसी स्टोरीज के साथ हम फिर से लौटेंगे, तब तक आप वोकल टीवी के चैनल से जुड़े रहिए। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ मैं लक्ष्य का, रायपुर 36 से।